दिनों से लाली जी सोशल मीडिया में एक लफड़ा देख रहे हैं जिसके लिए लोग आपको हेट भी दे रहे हैं एक्चुअल में, कि आप एक इंसान को बहुत गाली देते हुए दिख रहे थे। तो मेरे से गलती होगी तो मैं माफी मांगूंगा, बोलना नहीं चाहता वही बोलना एक बात एक बात कि आप उस इंसान को पकड़ के लिए जा रहे थे, तो उस एक्चुअल में हुआ क्या था उसे? उसका भी दिमाग बहुत ज्यादा गर्म था, इसलिए मैंने उसको शांत कराया, पानी पिलाया। लाली जी कुछ दिन पहले हम लोग आपको एक वीडियो में बोलते हुए दिखे कि आप एक दिन में 50 मर्सिडीज खरीद सकते हैं, तो क्या ये मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैंने उनको सिखाया कि तुम्हारे ऊपर धमका करें। अरे बाप रे, मतलब सवाल जवाब वैसा ही रहता है। तुमको मार पड़ना चाहिए, तो उसमें पता का सपना भी पूरा हो जाएगा आपको खड़ा होकर मारने वाला। अरे रे, मैं 50 आदमी का दिल जीत सकता हूँ, पलाव के लिए। अरे सो हे यू गाइस, जय हिंद, नमस्ते, मैं हूं रितेश, आप लोग देख रहे हो आरबी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग फिर से आ गए वर्ल्ड फेमस लाली चंगानी जी के पास। तो गाइस, कुछ दिन से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में लाली जी को लेके बहुत सारा नेगेटिव वीडियोस चल रहा है, जिसमें कभी लाली जी एक इंसान को बहुत गाली देते हुए दिख रहे हैं, जिसमें लाली जी बोलते हुए दिख रहे हैं कि वो एक दिन में 50 मर्सिडीज ले सकते हैं। सो आज हम लोग वो सब वीडियोस का एक्चुअल में रियलिटी जानने आए लाली जी से, और लाली जी से बात भी करेंगे कि ये सब क्या है लाली जी, मतलब वो क्यों बोल रहा है ऐसा, इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या, सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग को भी इस बारे में जानना है तो इस वीडियो में आज आप लोग को बने रहना पड़ेगा। तो चलो, अभी तो लाली जी के दुकान में बहुत ज़्यादा क्राउड, आप लोग को दिखाता हूँ मैं जाके। देख सकते हो आज मंडे है, मंडे में भी देख सकते कितना ज़्यादा क्राउड है, तो देखो चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है ये दुकान। हाँ पैसे दीजिए, आप संग बैठे आपने दो प्रिंट का ऑनलाइन किया, पार्सल में चले गए, आप खाइए, मैं पार्सल देता हूँ, बैलेंस देता हूँ। सर बैलेंस थोड़ी नहीं मिलता, एक आदमी हो चाहे 100 आदमी हो, तीन जलेबी कुछ नहीं, 80 रुपया दीजिए इनको पार्सल ले लीजिए, लेकिन पार्सल का लाइन इधर है, आगे से जान लीजिएगा। चलिए कितना पार्सल आपका? उधर वही रुकिए, अब वहाँ रुकिए, 10 और 20 16 है, रुकिए। हमको बोला आप पैसा लिए, हमको नहीं मालूम है, बोलो तो वो भी कंटेनर दे दिया, तो राजू से बात करा, राजू सो अरे अपन मुंचन दुकान वाला जाकर माता रे मंदिर में जाऊ चले बोल यार, दुकान वाले बोल राजू जो मैं कन्या माता मंदिर में जाऊँ, राजू बोला अबार करा, अबार जाके करा, अब दुकान और बड़ी करनी पड़ेगी, आप लोग नहीं आएंगे? नहीं नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आएंगे, एकदम सही। मान पुना का मंदिर हो गया, ये मान पुना का प्रसाद है, और आप लोग हम उसके पुजारी, और आप लोग भेज रहे जिस दिन और कोई दुकान खोल लेंगे लाली चंगानी का नाम ही खत्म हो जाएगा। जी राम राम सबसे पहले, और भैया जी बोल रहे हैं कि आप लाली जी का क्या लगता है? भतीजे लगते हैं ना। तो भैया कुछ दिन पहले एक वीडियो मतलब देखे थे हम, जिसमें लाली जी का झगड़ा होता है एक इंसान के साथ, तो उसमें हम देखे थे कि आप उस इंसान को पकड़ के लिए जा रहे थे, तो उस एक्चुअल में हुआ क्या था उसे? एक्चुअल में हुआ कुछ था, उसने थोड़ा सा बस दिमाग गर्म कर करके, उसका भी मूड खराब था, उसने क्या झमेला किया पता नहीं, हम तो जस्ट घर से आ ही रहा था, उसके बाद घर से आया तो देखा वहाँ पे झमेला हुआ, तो पहले मैंने उसको साइड कर दिया, उसके बाद में एट अ मोमेंट उसका भी दिमाग बहुत ज्यादा गर्म था, इसलिए मैंने उसको कराया, पानी पिलाया, उसके बाद में वो मैटर को सॉल्व कराया, बस सॉल्व करा के फिर वो चला गया। है भी वो हम लोग का छोटा भाई के तरह। अच्छा, जानते हो क्या उसको? हाँ जानते हो, बहुत दिन से कचौड़ी खाने आता है। अच्छा। इसलिए कि वो फर्स्ट बार आया है, बहुत बार आया, इसलिए तो मैंने उसको घर से जब आया मैंने देखा कि वो यहाँ चिल्ला चिल्ली करे, तो पहले फर्स्ट मोमेंट में मैंने उसको यहाँ ला करके शांति से उस मोमेंट को सामने किया। थैंक यू भैया। मालिक बना दिया, लालू बाबू तो नौकरी है, बेटा लोग मालिक हो गया, भतीजा लोग मालिक हो गया, कहीं ना कर लेते 3000 रुपया मालिक से,
फिर बाबा बैनाथ लाली जी, सबसे पहले तो राम राम। तो लाली जी, बहुत दिनों से देख रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया में कि आपका बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उसे बहुत नेगेटिव में भी ले रहे हैं, तो लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? जो एक बात, ये सवाल हर हफ्ता में आप दो बार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये जो आपका जो वीडियो वायरल हुआ ना, कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव बोल रहा है, तो अगर नेगेटिव बोल रहा तो हम अपने आप को सुधारने का कोशिश करेंगे। एकदम एकदम आ रही नहीं, जैसे एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, देखे सॉरी, ये सब मत पूछो, हो गया उसको भूल जाओ, ठीक है। अगर मेरी गलती हो तो मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा, और अपने कस्टमर के सामने कोई गलती होती तो कस्टमर से माफी मांगूंगा। नहीं, वही चीज हम लोग आपका पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं, वो चीज एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब, अगर मेरे से कोई गलती हुआ तो मुझे माफी मांगने में क्या शर्म है? अगर बड़ा तो भी माफी मांगूंगा, छोटा तो भी माफी मांगूंगा, क्योंकि लोग ना क्या है ना बाहर के जो बोल रहा हूँ एकदम एकदम गाड़ी, अगर मेरे से गलती है तो मैं माफी मांगूंगा, और ऐसे भी दुकानदार को लोग गलत बोलेंगे, कस्टमर को गलत बोलेंगे। इसलिए तो मैं बोलना चाहता कि लोग गलत समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं उसको, आप समझ को कहाँ से परिवर्तन कर लेंगे? नहीं, आपको अब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक्चुअली लाली जी। मैंने भी आपको बोला अगर मेरे से गलती होगी तो मैं माफी मांगूंगा, अगर उन्होंने गलती की है तो उनकी कोई गलती नहीं, गलती जो भी है दुकानदार। दिनों से लाली जी सोशल मीडिया में एक लफड़ा देख रहे हैं, जिसके लिए लोग आपको हेट भी दे रहे हैं एक्चुअल में, कि आप एक इंसान को बहुत गाली देते हुए दिख रहे थे। तो देखो, आधा सच्चाई देख के तो हर कोई जज कर सकता है, लेकिन आज आप सब लोग जानना चाहते हैं कि उस चीज का थोड़ा सा लाली जी अगर आप बोल देते उस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में लाली जी कुछ बोलना नहीं चाहते, वही बोला एक बात, एक बात ठीक है लाली जी, मैंने भी क्या कहा, कोई कमेंट उस चीज के बारे में दोबारा हमसे सवाल मत, ठीक है। लाली जी, कुछ दिन पहले हम लोग आपको एक वीडियो में बोलते हुए दिखे कि आप एक दिन में 50 मर्सिडीज खरीद सकते हैं, तो क्या ये मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया या सच? एक तो रिक्शा खरीदने का नहीं है मेरे नहीं, आप बोले कि 50 नहीं, वही बोले थे कि मेरा औकात है तो रिक्शा खरीदने का नहीं, आज जो बोल रहा हूँ सुन लो, आप तो मर्सिडीज की बात बोले, मैं तो रिक्शा नहीं खरीद सकता, वही चीज तो है। लेकिन नहीं, लोग जानना चाहते थे कि आप ऐसा जब बोले ना तो लोग बहुत नेगेटिव में ले लेते बहुत, फिर आप लोगों की बात नेगेटिव पॉजिटिव की, तो मैं जो बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला कि ना तो मेरे पास कोई गाड़ी है ना बाड़ी है, बगल में रहता हूँ, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल जाता हूँ पैदल आता हूँ, ना गाड़ी है ना बाड़ी है, मतलब उस दिन वो चीज आप ऐसे ही बोल लेते, बोलने कोई मर्सिडीज वाला बोलेगा कि 100 आदमी के बीच में हमको कचौड़ी दो और लाइन नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैंने बोला मेरे पास कोई, मतलब ईगो अगर कोई हट करे नहीं भैया, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बात कम कर तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग हैंडसम कचौड़ी मैन के साथ, हम लोग के जो बहुत फेमस है अभी, ठीक है, नया एक तो निकाल लिया है ना, वीडियो अपना वायरल करवाने का हैंडसम कचौड़ी मैन। तो भैया अभी हम लोग गए थे लाली जी के पास एक्चुअल में, ठीक है, तो लाली जी के पास जैसे हम लोग गए ना, वो बमक गए मेरे ऊपर, मतलब मैं उनसे जो जो पूछा कि देखो जो एक्चुअल में वीडियो आ रहा है वो सब चीज़ और का, तो बमक गए थे एक्चुअल में। तो आप क्या बोलना चाहोगे? मैंने उनको सिखाया कि तुम्हारे ऊपर बमका करें। अरे बाप रे, मतलब सवाल जवाब वैसा ही रहता है। मतलब मेरा सवाल जवाब भमकने वाला है? हाँ, वैसे ही रहता है, इसलिए मैंने उनको बोला कि जब भी तुम आए नेक्स्ट टाइम ना दोस्तों, तो मार के भगा, गजब बेइज्जती है। और भैया एक चीज आपसे पूछना था कि आप देखे होंगे लाली जी का वो वाला वीडियो जिसमें मतलब वो गुस्सा कर रहे थे एक इंसान पे, देखे तो हो गई आप, देखे हो ना, मतलब जिसमें वो कुछ एग्रेसिव हो गए थे बहुत ज्यादा, गाली वाली सब कुछ, मतलब उस दिन आप जो चाहते थे कि खड़ा हो जाए, खड़ा होने वाला सपना आपका पूरा हो गया, मतलब बोले थे ना कि उधर से उठ के खड़ा हो जाएंगे, मतलब मैं एक वीडियो में आप बोले थे ना कि अगर बेसी बोलता मैं तो खड़े हो जाता, तुमको मारने के लिए, लेकिन वो चीज एक्चुअल में तो नहीं, वो पर्सनली मेरे लिए है, वो तुम्हारे लिए, तुमको मार पड़ना चाहिए, मतलब ये आपका काम होना चाहिए पता करना, अगर आपको जानने का इतना इच्छा है तो जाइए पता करिए, पता करना सपना भी पूरा हो जाएगा आपको खड़ा होकर मारने वाला। अरे भैया एक और चीज पूछना था कि जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि 50 मर्सिडीज वो खरीद सकते हैं, मतलब एक दिन में 50 मर्सिडीज खरीद सकते हैं, तो आप क्या बोलना चाहते हो, क्या लगता है सही बात है या कुछ? उनसे पूछा तो वो बोले कि वो ऐसे ही बोल दिए थे, मतलब एक्चुअल में ये बात है ही नहीं, मुझे कि मालूम उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। नहीं, वो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो देते हैं उनमें?
हाँ काबिलियत है उनमें इस चीज की। एक किलो 50 मर्सिडीज कुछ ज्यादा नहीं होगी, हमको तो लग रहा है बहुत ज्यादा होगी। आज वो बोले तो कुछ सोच के बोले होंगे ना, वो तो बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा कोई आदमी भी पागल नहीं है तो बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। आप क्या खरीद सकते हो 50 मर्सिडीज? मैं 50 आदमी का दिल जीत सकता हूँ। अरे सही में दिल जीत लिया आपने। तो गाइस देख सकते हैं पप्पी भैया का जो कचौड़ी का टाइमिंग है वो अभी खत्म हो गया है। अभी कचौड़ी मतलब अभी और नहीं मिलेगा, मतलब जो कचौड़ी में भैया भी नहीं बैठेंगे स्कूल में। सो गाइस अभी देखो लाली जी के पास हम लोग गए थे, भैया तो नहीं गए, भैया भी जल्दी लेके जाएंगे, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। तो भैया तो अभी गए नहीं, और ऊपर से लाली जी से जो भी आपको पूछना था वो सब आप लोग के सामने पूछ ही लिए। तो आज का व्लॉग आज इधर तक ही बंद करते हैं क्योंकि भाई बहुत बड़ा बन जाएगा नहीं तो। सो गाइस उम्मीद करते हैं कि गाइस आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं एक बार इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक स्टे सेफ राइट सेफ। Bye.